फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णास कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि है, फर्स्ट नवरात्रि शैलपुत्री देवी जी का आज स्मरण करना है। और मैंने अभी मंदिर वगैरह की सफाई नहीं की है, झाड़ू पोछा हो चुका, मैं नहा के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ मंदिर साफ करने। जाएंगे तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और इसी में मूंगफली और इधर बन रही है चाय, और चाय हमेशा ही निकल जाती है मेरी। और मूंगफली मखाने भूल गए, और इसी कढ़ाई में जो है मैं ये दो तीन मिर्चे डाल दूंगी सिकने के लिए, और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा इसी में सॉफ्ट हो जाएंगे ये। ये बहुत बढ़िया, फिर इसमें ये मिर्च भी इसमें सिक गई देखिए, और नमक भी इसमें चला गया, सेंधा नमक है ये, व्रत वाला नमक। और इसी वजह से दोबारा से ये मखाने को मिला दूंगी ताकि इसमें नमक मिक्स हो जाए अच्छे से। मैं तो ऐसी बनाती हूँ, आप कैसे व्रत का बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही बनाते हैं, आप अपने घर में किस तरह से बनाते हैं व्रत का नौ दुर्गे में खाने के लिए, और उसमें नमक डालते हैं नहीं डालते हैं या ऐसे ही खाते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए किस तरह से बनाना चाहिए। और ये सब मिक्स हो गया इकट्ठे, नमक भी इसमें मिल गया, और क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है तो नमक की मात्रा तो होनी चाहिए, सारा दिन ड्यूटी देना है, ड्यूटी करना है। और ये मिक्स हो चुका है अच्छे से नमक, और अभी गए हुए मंदिर साईं बाबा मंदिर, और जैसे ही आएंगे उनको मैं सर्व कर दूंगी, खा के तुरंत निकल जाएंगे। तब तक मैं सौरभ को दे आती हूँ, और ये मैं सौरभ को दे के आती हूँ क्योंकि सौरभ का भी फास्ट है, और जब वो आएंगे मंदिर से तो हम दोनों साथ में ले लेंगे चाय। अभी तो मैंने पानी भी नहीं पिया है, अभी सौरभ भी चाय ले। जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आके बैठो, इसको पता नहीं क्या है, चटोरा है क्या है यार। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए क्या आपके भी डॉगी ऐसे चटोरे हैं जैसे मेरा है। ले मैं इसके ऊपर रखूंगी, ले ले ले, अरे बाप रे, चल ये रखा ले, चल ले ये रखा, ये ले कैच कर, ये इधर देखो, ये पपीते के दीवाने, ये देखिए इतना चटोरा लेके चला गया उधर खाने, अब वो डोर मेट पे जाके बैठ के आराम से खाएगा। क्या आपका भी डॉगी ऐसे चटोरा है, कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स इनकी और अपनी चाय ले जा रही हूँ, आप भी आ जाइए पी लीजिए, आपका भी व्रत होगा ही आज। गैस आप भी आके पी लीजिए चाय। चले हम भी, कौन सी लेंगे, ये वाली दोनों तो बराबर ही है। अरे वाह, पहली हटा लिया, चलो हम भी पीते हैं, आप भी आ जाइए पी लीजिए चाय। फ्रेंड्स शाम का वक्त हो गया है, और जो है कि दिया बत्ती करने का टाइम है। श्री दुर्गा चालीसा, नमो नमो दुर्गे शुक्रमी, नमो नमो अम्बे दुखमी, निरंकार ज्योति तिमारी, त्रिम्रोकारी उजारी, शचीले लाडू महाविशाला, नित्रलाल विपुति विप्राला,
धूप माटी को अधिक सुहावे दस तक अति जन सुख पावे तुम आवती माता जब कारण पूजा को देख काल दरवाजे सोए अस्त्र शूला जाते उठा चौसठ योगिनी गावत नेत करत नेत करत बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और बाजत मैं जा रही हूँ व्रत के लिए खाने के लिए। व्रत में आज हम लोगों का सबका व्रत है ना, तो मैं बनारसी लुक जो है बनारसी चाट जैसे बनता है उसी तरह से टमाटर का चाट बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा घी, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं लेकिन फास्ट है तो इसलिए मैंने घी ले लिया है। और कढ़ाई गर्म हो गई है और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा। जीरा भी गर्म हो गया, चटक गया क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई बहुत गर्म थी। और थोड़ा सा और ये मैं जो है टमाटर चार टमाटर है यह डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी मैं। और थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और फास्ट है तो मैं यहाँ पर सिर्फ सेंधा नमक डाल इस्तेमाल करूंगी, स्वाद अनुसार सेंधा नमक। और इसको अच्छे से पकाऊंगी, गला लूंगी अच्छे से इसको। टमाटर अच्छे से गल गया है। अब इस तरह से इसमें मैं साबुत आलू डाल दूंगी, तीन आलू। इसमें मैं चाट मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ मैं, तो उसमें काला नमक वगैरह मिला होगा इसलिए। मैं फलाहारी बना रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया। थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार हो गया चाट, बनारसी चाट जो है। मैं भी बनारस की रहने वाली हूँ, ये बहुत ही फेमस है बनारसी चाट वहाँ का, और विदाउट ऑनियन गार्लिक। और मैंने यहाँ अदरक नहीं डाला है, आप चाहे तो अदरक डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा अदरक जो होता है गर्म होता है, फास्ट में मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरे पेट के लिए सही नहीं है, वो मेरे पेट में अल्सर हो जाता है इसलिए मैंने ऐसे बना लिया है। और थोड़ा सा धनिया और डाल दीजिए इसको। बहुत टेस्टी बनके ये तैयार हो गया है। और इसमें थोड़ा सा हम
पानी ऐड करेंगे। दो चार मिनट के लिए इसको हम बॉइल होने देंगे। और ये बन गया है, अब हम इसको गैस को ऑफ कर दे रहे हैं और इसमें चलिए सर्व करते हैं। डालेंगे दो चार धनिया पत्ता और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, ये जब ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा तो चलिए खाते हैं।